दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल पे। और आज बात करेंगे हम बेबी डोगी कॉइन के बारे में। बेबी डोगी कॉइन में जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है मार्केट के अंदर, उस तरह से अगर देखते हैं तो आने वाले दिनों में अच्छा खासा पंप इसको आप देख सकते हैं। तीसरी बात कि अगर आप इसको ट्विटर के ऊपर देखते हैं तो आपको वहाँ पे एक ट्रेंड का भी ऑप्शन आता है कि बेबी डोगी कॉइन लिस्टेड, आपको एक नोटिफिकेशन मिलता है। और ये ट्रेंड भी चल रहा था समथिंग 24 आवर्स से, और वहाँ पे एक ट्रेंड चल रहा था बेबी डोगी कॉइन लिस्टेड बाइनांस। ठीक है, तो ये एक अच्छी न्यूज़ और अच्छी पोजीशन ये बेबी डोगी कॉइन बना सकता है। और अगर एक अच्छी न्यूज़ की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं बेबी डोगी कॉइन जो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जो इनकी जो ऑफिशियली जो सप्लाई है, ऑफिशियली जो पूरी टोटल सप्लाई है वो वेरीफिकेशन यहाँ पर हो चुकी है, उससे ज़्यादा सप्लाई यहाँ पर नहीं होगी। अगर बात करते हैं कॉइन मार्केट कैप के ऊपर तो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी एक टिक लग चुका है कि टोटल इतनी सप्लाई है। और ये डाटा टोटल का टोटल आपको यहाँ पे दिख जाएगा, टोटल मार्केट कैप एंड कितनी टोटल सप्लाई है टोकन की और क्या नाम है, क्या प्रोजेक्ट है, सब कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगर बात करते हैं 27% सप्लाई अभी हाल में हुई है और ऑल टाइम हाई से अभी तक काफ़ी ये लो भी है। ठीक है, ऑल टाइम हाई से काफ़ी लो है, तो यहाँ पे एक बाइंग मौका बन सकता है, क्योंकि जब भी ट्रेंड आएगा तो सबसे पहले 2 से 3 जीरो जो किल करेगा वो करेगा बेबी डोगी कॉइन। दोस्तों इसके अगर इसकी जो सप्लाई की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे समथिंग इनके होल्डर्स हैं वो 15,76,000 होल्डर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर ऑल टाइम एनालिस्ट की अगर बात करते हैं तो 2021 जून की अगर बात करते हैं तो यूनिक जो व्यूअर्स थे इनके यूनिक व्यूअर्स थे लगभग 8,400, और इसके बाद में बढ़ते हुए जब 2 नवंबर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे नवंबर में यूनिक व्यूअर्स 51,000 लोग रिसीवर आ चुके थे नए एड्रेस, और यहाँ पे बाद में वापस यहाँ पे 34,000 आए थे, इसके अलावा 17,500। और अभी हाल की बात करते हैं तो अभी यहाँ पे लगभग 3,000 से 2,000 यूनिक व्यूअर्स यहाँ पर मिल रहे हैं बेबी डोगी कॉइन को। तो आने वाले दिनों में आप चेक कर सकते हैं, अगर इसका ट्रेंड आएगा तो आप सोच भी नहीं सकते इसकी जो प्राइस होगी वो क्या होगी, परंतु इसके लिए मार्केट में बुलिश मोड की राह देखनी होगी। तो दोस्तों ये रही बात, और अगर बात करते हैं टोटल सप्लाई की तो टोटल सप्लाई इतनी आपको मैंने यहाँ पे बता दी। और होल्डर्स की अगर बात करते हैं, यहाँ पर मैं जाऊँगा होल्डर के अंदर, तो होल्डर्स में लगभग नूल एड्रेस के ऊपर 46 से 47% यहाँ पे जो टोकन है बर्निंग मोड में है, जो आप चेक कर सकते हैं। अगर बात करते हैं 2 एड्रेस के ऊपर, दूसरे एड्रेस के ऊपर 16%, तीसरे एड्रेस के ऊपर 4% एंड यहाँ पे 3%, 2% यानी कि 1%। तो आप सोच सकते हैं 50% लगभग टोकन, 47% लो टोकन यहाँ पे बर्निंग है। और यहाँ पे अगर एक अंदाज़ लगाते तो 50 से 100 लोगों के बीच में लगभग 30% टोकन यहाँ पे 50 से 100 लोगों के आसपास यहाँ पे 30% यानी कि 30% टोकन यहाँ पे है। और मार्केट की अगर बात करते हैं तो लगभग 20 से 25% टोकन मार्केट में अभी तक घूम रहे हैं। तो एक अंदाज़ लगा सकते हैं कि भाई ये इसका जो प्राइस है आने वाले दिनों में अगर 2 जीरो भी अगर किल करता है तो अपने को यहाँ पर बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं बेबी डोगी कॉइन के, मैंने आपको बताया था 2 दिन पहले 24 आवर्स के पहले एक ट्रेंड चल रहा था बेबी डोगी कॉइन ट्रेडिंग यानी कि लिस्टेड बाइनांस एक्सचेंज 2022, यानी कि अगर देखते हैं दिसंबर मंथ तक अगर बेबी डोगी कॉइन अगर बाइनांस के ऊपर आता है तो आने वाले दिनों में 2 से 3 जीरो जो ये आराम से किल कर सकता है। तो दोस्तों ये रही बात, और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं मार्केट की, अगर बात करते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारे बड़े से बड़े एक्सचेंज के ऊपर देखने को मिल जाएगा, अदरवाइज कॉइनबेस एंड इसके अलावा कॉइनबेस के अलावा आपको यहाँ पे बाइनेंस की अगर बात करते हैं तो आप बाइनेंस के ऊपर लिस्टेड नहीं है, वजीरेक्स के ऊपर लिस्टेड नहीं है। अगर 2 से 3 एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड होता है तो आने वाले दिनों में ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। परंतु दोस्तों जो भी इन्वेस्टमेंट करना है अपनी रिस्क एंड रिसर्च के अनुसार करिएगा, क्योंकि मार्केट है हाई लेवल हाई रिस्क, तो अपनी रिसर्च करिए उसके बाद में आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करिए तो आपके लिए और भी बेहतर
बन सकता है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, नए वीडियो जल्दी लेके आऊँगा, बेबी डोगेकॉइन की जो न्यू न्यूज़ होगी वो आपको दिखाने वाला हूँ। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।